वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। आपको बताते चलें कि पंजाब के तफसीलात के मुताबिक पंजाब के 20वें और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार उस्मान बुज़दार 5वें वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं जिन्होंने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर बताएगा हल्फबरदारी की तकरीब में किस किस ने शिरकत की। देखिए फिर आखिर वो मरहला भी तय हो गया जिसके बारे में काफी देर से शोर मचा हुआ था कि वजारत आला पंजाब का ताज किसके सर सजेगा और उस्मान बुज़दार जो फिर असेंबली से उन्होंने जो पोलिंग हुई उसमें वो फाते रहे और आज तकरीब हल्फ वफादारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई और गवर्नर पंजाब की फिलहाल अदम मौजूदगी में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने उनसे हलफ लिया और हलफ की तकरीब को बहुत ज्यादा पुरतकल्लफ नहीं थी बल्कि काफी सादगी के साथ मुनक्कद हुई। उस्मान बुज़दार भी एक दो गाड़ियों के काफिले में यहाँ तक पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे गवर्नर हाउस में पहुंचे और उसके अलावा आला अस्करी और सिविल हुकाम जो है उन्होंने भी तकरीब हल्फ वफादारी में शिरकत के लिए आए और बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये तमाम अमल मुकम्मल हो गया जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर उस्मान बुज़दार जो है पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अब वो अपने जो मनसब है वो संभाल चुके हैं, अपने फ़र्ज की अदायगी भी वो शुरू कर देंगे वज़ारत आला पंजाब का ओहदा संभालने के बाद। तो ये सिलसिला जो है गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल कैसर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है।